हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं सेकंड पार्ट भी एक बनाऊंगा, पार्ट टू इंट्रोडक्शन का, जिसमें मैं अपने मैप में बताऊंगा। आप ये मेरे पीछे मैप देख रहे हो, इसी मैप में मैंने अपने एक रूट बनाया है, जिसमें एक ब्लैक स्केच में से मैंने रूट अपना खुद का बनाया है। खुद का मतलब ये अधिकतर मेरे फादर से भी रिलेट करता है, उनके आइडियाज से भी। अधिकतर उनका जो रूट है 90% वही रूट मैंने अप्लाई किया। एक दो जगह पर मैंने अलग अलग जगह गया हूँ जहाँ पर मैं अलग से जाना चाहता था। तो आप लोग देखिए मैप में मेरा रूट, तो आप ये मैप देख सकते हो। ये फुल मैप है, मतलब ये 4 फीट बाय 2 फीट का मैप है जो मैंने आपको कहा था। आप जो ये ब्लैक ब्लैक मार्क देख रहे हो, अलग से मैंने किया हुआ है। आप जो ये ब्लैक ब्लैक मार्क देख रहे हो, मेरा खुद का रूट है। ये रहा, ये जमशेदपुर मेरा शहर है, जो आप मतलब अलग से वेस्ट बंगाल का जब स्टेट दिख रहा है उसका यहाँ पर साइड में देखिए, जमशेदपुर ये मेरा शहर है। वहाँ से मैं रांची होके, जो कैपिटल है झारखंड का, फिर वहाँ से मैं सबसे पहले जाऊँगा छत्तीसगढ़ पहले मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो फादर का जो रूट था उसमें पहले तो एमपी था, तो अभी छत्तीसगढ़ अलग हुई है, तो सबसे पहले मेरे को इसलिए छत्तीसगढ़ कवर करना पड़ेगा, नहीं तो वो छत्तीसगढ़ छूट जाएगा। तो रायपुर से जस्ट टच करके मैं कटक आऊँगा, और भुवनेश्वर टच करके आंध्रा मैं जैसे नीचे जाऊँगा हैदराबाद में जाऊँगा। मैं ये हैदराबाद का चारमीनार ऑब्वियसली देखूंगा, जो कि मुझे बहुत दिनों से देखने का मन था। उसके बाद मैं जाऊंगा बेंगलुरु, इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ आर कंट्री, तो वो मैं ऑब्वियसली देखना चाहूंगा। काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब डेवलप्ड चीज़ें हैं वहाँ पर। उसके बाद मैं वहाँ से चेन्नई जाऊँगा, और जो कि हमारा तमिलनाडु का स्टेट कैपिटल है, और वहाँ पर मैं, मेरा बहुत मन है कि मैं मिस्टर रजनी सर रजनीकांत से मैं मिलना चाहूँगा अगर मुझे मौका मिलेगा। तो उस चेन्नई से फिर मैं जाऊंगा आपका सबसे नीचे जाऊंगा मदुरई की तरफ, और मदुरई में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पॉपुलर इंडिया में, वो भी मैं देखना चाहूँगा। और उसके बाद आप देख रहे हैं रामेश्वरम में के पास एक धनुषकोडी जगह है। ये धनुषकोडी एक्चुअली द लास्ट रोड ऑफ इंडिया बोला जाता है। आप व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा प्यारा लग रहा है ये व्यू। फिर धनुषकोटी से वापस आके जब मैं वदेरावल वापस आऊँगा, वहाँ से नीचे जाऊँगा, एक शिवकाशी एक जगह है, शिवकाशी वो है एक्चुअली, वहाँ पर इंडिया के सारे पटाखे वहाँ तैयार होते हैं। उसके बाद मैं आऊँगा कन्याकुमारी में, और कन्याकुमारी से जब मैं केरल में एंट्री मारूँगा, वहाँ पर एक कोलम शहर है एक्चुअली। उस शहर से दूर एक जगह पर एक जटायु स्टैचू है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है साउथ में, तो वो मैं आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी यूनिक तरीके से बनाया गया है, उसको भी मैं देखना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा कारीगरी है हाथ में। फिर वहाँ से कोवलम से मैं केरल पार करके कुन्नूर में आऊँगा, कुन्नूर से ऊटी, इसलिए मैं तमिलनाडु में फिर से एंट्री करूँ क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो चेन्नई है काफ़ी दूर है, और वहाँ से भी काफ़ी दूर पड़ जाएगा उस तरीके से रोड जो मैंने बनाया है, तो इसलिए मैं वहाँ से आके उसके बाद मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पर कर्नाटक वाले स्टेट में, और कर्नाटक स्टेट से फिर मैं मैसूर होके मैंगलुरु जाता हूँ, मैंगलुरु से डायरेक्ट मैं जाता हूँ गोवा, और गोवा से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कर्व करके एक सी की तरफ है डॉटेड लाइंस, जो कि एक्चुअली वो जाता है, वो शिप जो होती है एक्चुअली, जो शिप होती है, अगर वो शिप ओपन रहा तो मैं वहाँ शिप से जाना चाहूँगा मुंबई, जो कि मेरे फादर भी गए थे मुंबई वैसे गोवा से। और अगर उसमें अगर कोई दिक्कत हुआ, अगर मैं नहीं जा सका, तो आप मैप में जो रूट देखना है वो ऐसे करके जो सीधा है वो मुंबई जाऊंगा वहाँ से, और मुंबई से आप वहाँ से फिर मैं यहाँ पर पुणे आऊँगा, और पुणे ऐसे क्रॉस करके औरंगाबाद करके मैं महाराष्ट्र क्रॉस करके गुजरात में एंट्री मारूँगा, और गुजरात में एंट्री मार के सबसे पहले मैं सूरत में जाके आपका सबसे पहले नवसारी जाऊँगा, जो कि हमारे जमशेद जी टाटा का बर्थ प्लेस है। उसके बाद आप देख रहे हैं मैं अहमदाबाद में हॉल्ट करके, आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन्स देख रहे हैं, उस डॉटेड लाइन्स एक्चुअली सिग्निफाई करता है मैं बस में टूर करूँगा, इसलिए क्योंकि हर जगह अगर मैं साइकिल में करूँगा तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा मेरा उस टूर के लिए, तो कुछ कुछ मैं बस में भी ट्रैवल करूँगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ डॉटेड लाइन, सबसे पहले मैं जाऊँगा द्वारका, जहाँ पर हमारा टाटा सॉल्ट का फैक्ट्री है। उसके बाद मैं पोरबंदर, हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस है, जो वहाँ से मैं पोरबंदर से वापस मैं ऐसे करके राजकोट होके फिर मैं अहमदाबाद तरफ आऊँगा, और फिर से अहमदाबाद से फिर वहाँ से मैं गोधरा होके एमपी में एंटर करूँगा, और सबसे पहले मैं जाऊँगा भोपाल में, फिर वहाँ से थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर दूर सांची है उसमें ट्रैवल करके वापस मैं भोपाल आके आपका मैं कोटा होके जयपुर जाऊँगा।
अब मैं यहाँ जयपुर से, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं हॉल्ट किया हूँ। इस हॉल्ट से यहाँ पर आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, सेम टू सेम वहीं पर मैं फिर से बस में ट्रैवल करके बहुत अलग अलग फूड सब देखूँगा जो जो कि जो भी बस अवेलेबल होगा। सबसे पहले मैं जाऊँगा जैसलमेर, और जैसलमेर के ठीक आगे आप देख रहे हैं पोखरा, उसी डॉटेड लाइन में देखिए पोखरा में होगा। उस पोखरा में मैं ऑब्वियसली जाऊँगा जो हमारा न्यूक्लियर बम का टेस्टिंग हुआ था, तो उसमें मैं देखना चाहूँगा, प्रोहिबिटेड नहीं रहा एरिया तो मैं देखना ज़रूर चाहूँगा। और जैसलमेर से जैसे भी है जितने भी पोर्ट्स है, जोधपुर, माउंट आबू, उसके बाद उदयपुर, ये सब जितने भी है ये सारे मैं देखना ज़रूर चाहूँगा। चित्तौड़गढ़ जहाँ पर पद्मावत मूवी का शूटिंग हुआ था, अजमेर होके मैं फिर से जयपुर तक जाऊँगा, और जयपुर से फिर मैं कंटिन्यू साइकिल लेकर दिल्ली जाऊँगा, हमारा कंट्री का, हमारे इंडिया का राजधानी। उस दिल्ली से मैं एक काफ़ी जगह तो उसको मैं देखना चाहूँगा, देख के फिर वहाँ से मैं कंटिन्यू सोनीपत कुरुक्षेत्र हरियाणा पार करके मैं चंडीगढ़ जाऊँगा, और चंडीगढ़ से ठीक वापस फिर से आके अंबाला तरफ, अंबाला से फिर मैं चल जाऊँगा आपका जलंधर अमृतसर। उस अमृतसर से मैं हमारा गोल्डन टेम्पल देखना चाहूँगा, और वाघा बॉर्डर भी मैं देखूँगा जो कि हमारे देश की शान है, जहाँ पर वो सारे जितने भी आर्मी से उनसे मैं मिल के वहाँ पर शूटिंग करना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा जगह पर है। खानकोट होकर वापस मैं कश्मीर में एंट्री करूँगा, और कश्मीर में श्रीनगर होकर सब वहाँ से कारगिल होकर मैं ले जाऊँगा, और ले से आप देखो यहाँ डॉटेड लाइन में दिया हुआ है खरदुंगला लिखा हुआ है। खरदुंगला इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ पर खरदुंगला मैप में लिखा हुआ नहीं था, वो अभी टॉप मोस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ पर मैं जाऊँगा। फिर वापस आके ले से हिमाचल शिमला क्रॉस करके मैं उत्तराखंड घुसूँगा, और उत्तराखंड में देहरादून वगैरह हरिद्वार वगैरह टच करके अगर हो सके तो नैनीताल भी जाऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर यूपी में एंट्री करके सबसे पहले अलीगढ़ निकलूँगा, अलीगढ़ से होके कानपुर, फिर मैं लखनऊ जाऊँगा। लखनऊ का वहाँ पर खाना बहुत फेमस है मैंने सुना है, और फिर थोड़ा फूडी भी हूँ तो मज़ा भी आएगा उधर। और ऐसे यहाँ से एंट्री करके सबसे पहले अयोध्या भी जाऊँगा, अयोध्या से नीचे आके सबसे पहले इधर मैं बिहार में बोधगया में जाऊँगा, और बोधगया से वहाँ पर नालंदा है उसको भी देखूँगा, और पटना बेगूसराय होके मैं पूर्णिया में मेरा एक दोस्त है, कॉलेज फ्रेंड है मेरा, वहाँ पर मैं भी जाऊँगा। बंगाल में टच करके सबसे पहले मैं निकल जाऊँगा नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री की तरफ, जो असम मिर्ज़ापुर हमारे, तो असम में आप देख रहे हो जो लाइन है वो असम में मैं क्रॉस करके, उसके बाद ईटानगर जो आप देख रहा है वो एक्चुअली है अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल, तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल उसको मैं टच करके फिर वापस आके फिर मैं ऐसे के शिव सागर में मेरा रिलेटिव रहते हैं, तो वहाँ से होके नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिज़ोरम का एज़वा, उसके बाद यहाँ से ऊपर जाके फिर मैं नीचे आऊँगा अगरतला में जो है त्रिपुरा का कैपिटल, उसके बाद मैं वापस जाके फिर शिलोंग टच करके मेघालय का जो ये है कैपिटल है उसको टच करके फिर दिसपुर होके जब मैं वापस जाऊंगा तो इधर ही बंगाल के साउथ हल्का ईस्ट तरफ, मतलब यहीं पर इसी पोजीशन में आप जहां पर जलपाईगुड़ी देख रहे हो, जलपाईगुड़ी के ठीक ऊपर यहां पर एक मेरा जयगांव एक जगह है, वहां से मैं भूटान जाऊंगा इंटरनेशनल जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। फिर यहाँ से मैं वापस आके सिक्किम गैंगटॉक टच करके वापस बंगाल तरफ आऊँगा जो कोलकाता होगा, और कोलकाता से होके खड़गपुर जब जाऊँगा तो नीचे दीघा तरफ आऊँगा, दीघा में वहाँ मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, और खड़गपुर होके फिर मैं वापस सरायकेला हो फिर मैं जमशेदपुर ओपन करूँगा। तो गाइस यही है मेरा फुल मैप का रूट, हो सके आपको पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं समझ रहा हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, और ज़्यादा लंबा होगा उसके लिए मेरी सॉरी, ताकि मैं थोड़ा सा डिटेल बताने के लिए इतना थोड़ा लंबा चल गया, बट आई होप यू गाइस लाइक इट, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ताकि वो आगे भी जाके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को आगे जाके शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ को देख के एक्साइटेड रहे। थैंक यू।